नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद में 6 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को दिया गया विश्राम। कटघर कर्तव्य भवन में चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुक्रवार को समापन हो गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य यजमान महेंद्र कुमार सिंह बब्बू एवं उनकी पत्नी माधुरी सिंह की उपस्थिति रही। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा को आज विराम दे दिया गया है। कथा व्यास लाइन पार से पधारे श्री व्योम त्रिपाठी के मधुर प्रवचनों से श्रद्धालु झूम उठे। उन्होंने बताया कि सुबह यज्ञ हुआ, उसके बाद कथा एवं फूलों की होली का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के अंत में आरती की गई और कन्या पूजन के तत्पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन प्रभु की इच्छा तक चलता रहा। श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर अरविंद कुमार सिंह, मानवेंद्र प्रताप सिंह, हर्षेंद्र प्रताप सिंह, हरेंद्र सिंह, अक्षय प्रताप सिंह, वीरेंद्र सिंह आदि का योगदान रहा। व्यास मंच से बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ। और जो गुप्त संकल्प मनी मन में यह कथा का है, जिस गुप्त संकल्प के लिए कथा करी गई है, वह संकल्प पूरा हो और ठाकुर जी ही इस आंगन में किलकारियां गूंजे। ठाकुर जी की ऐसा आशीर्वाद मंच से, व्यास मंच से दे रहा हूँ। खूब आनंद हो। और भैया ताली बजाने को नहीं, नाचने महेंद्र कुमार सिंह बब्बू। कौन सी जगह और कथा जो चल रही है इसके बारे में? ये कथा मेरे निवास पर कटघर रोड पुड़वा में निवास पर ये दिनांक 8 तारीख से प्रारंभ हुई है। प्रत्येक दिन 4 बजे से 7 बजे तक कथा पंडित व्योम शास्त्री जी द्वारा सुनाई जा रही थी, जिसमें सभी लोग भक्तगण उपस्थित होते हैं। उसके बाद प्रसाद वितरण होता था। आज 14 तारीख को कथा विश्राम है। सुबह से पूजन एवं हवन के उपरांत कथा प्रारंभ हुई। अब कथा का अभी विसर्जन होकर आरती हुई है। इसके उपरांत अब भंडारा प्रारंभ हो जाएगा और भंडारा प्रभु इच्छा तक चलेगा। सर, कौन कौन से लोग आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं? सभी जगह से सभी लोग आए हैं और जिसे भी मैंने आमंत्रित किया सभी लोग आए हैं। कुछ लोग व्यस्तता, हर आदमी की अपनी अपनी व्यस्तता रहती है। हो सकता कुछ लोग जिन्हें बुलाया व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए हों। मैं उन सभी को भी धन्यवाद अदा करता हूं। तथा मैं ये कहता हूं कि जो भी इस कथा का रसपान करता है उसे प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। और सभी आए भक्तजनों का और प्रेस का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज सुबह कुछ कार्यक्रम, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित हुए हैं सुबह? सुबह पहले तो पूजन का कार्यक्रम हुआ, वेदियों के पूजन। उसके बाद 2.5-3 घंटे तक यज्ञ चला। यज्ञ के बाद फिर कथा प्रारंभ हुई। अभी कथा की आरती हो चुकी है। अब कन्याओं को जिमाने के बाद अब जो है भंडारा प्रारंभ कर दिया जाएगा। कथा में मुख्य